अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो इससे कबल अपलोड होने वाली वीडियो का ही तसलसल है, जिसमें हमने कश्मीर से बरास्ता इंडस हाईवे लाड़काना का सफ़र किया था और लाड़काना के न्यू बस स्टैंड चौक पर पहुंचे थे। चुनांचा ये वीडियो भी उसी रोज़ यानी 11 मई 2021 बरोज़ मंगल की ही है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जहाँ क्लिक करके वीडियो देखी जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम लाड़काना शहर की राहदारियों में घूमेंगे। इस सफ़र का आगाज़ हुआ लाड़काना के वगन रोड पर वाक़े अपने बचपन के दोस्त खालिद समी की रिहायशगाह से, जहां से चाय पी, क्योंकि सुबह कश्मीर से सफ़र करके पहुंचा था इसलिए चाय पीना अब लाजम बन चुका था। चाय पीने के बाद मैं वहां से रवाना हुआ और लाड़काना शहर की सैर को चल दिया। लाड़काना शहर सिंध के अहम शहरों में से एक है। 2017 की आदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी 4,90,508 अफराद पर मुश्तमिल है। इस तरह आबादी के एतबार से कराची, हैदराबाद और सखर के बाद लाड़काना सिंध का चौथा बड़ा शहर है। लाड़काना शहर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यह शहर सिंधु तहजीब का गहवारा है, क्योंकि सिंधु तहजीब का नक्श मोहनजोदाड़ो इस शहर से कुछ ही देर की मुसाफत पर वाक़े है। माजी में लाड़काना को चांडका के नाम से जाना जाता था। इब्तदाई तौर पर लाड़काना जिला की हदूद में कंबर शहदादकोट भी शामिल थे, लेकिन 2005 में कंबर शहदादकोट को अलहदा जिला बना दिया गया, जिसके बाद अब लाड़काना जिला में लाड़काना, बाकरानी, रतोडेरो और डोकरी तहसीलें शामिल हैं। लाड़काना शहर की एक वजह शोहरत यहाँ पर कसीर तादाद में होने वाली अमरूद की फसलें भी हैं, जहाँ से मयारी अमरूद की तरसील अंदरूनी मुल्क समेत बैरूनी ममालिक में भी होती है। इस शहर में वाक़े तालीमी इदारों में पायलट स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिग्री कॉलेज, जैबिस्ट, चांडका मेडिकल यूनिवर्सिटी, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी कैंपस और कैडेट कॉलेज नुमायां हैसियत रखते हैं। लाड़काना शहर की तारीख पर नज़र डालने से 2013 में यहां पर मकामी तौर पर बनने वाली लाड़काना बुल्स नामी क्रिकेट टीम का तذکرہ भी पढ़ने को मिलता है। मालूम नहीं हालिया दौर में लाड़काना बुल्स का वजूद है या नहीं, लेकिन दोनों सूरतों में ये टीम थोड़ी ही सरपरस्ती के साथ पाकिस्तान सुपर लीग में एक और टीम का इजाफा कर सकती है, जिससे मुल्क में क्रिकेट के मैदान में मुकाबला भी बढ़ेगा और कौमी टीम में सिंधी खिलाड़ियों का हिस्सा न होने वाली महरूमी भी खत्म हो सकती है। इसके अलावा 2009 में इसी शहर को ये एजाज भी हासिल हुआ था कि इस शहर ने 12वीं सिंध गेम्स की मेजबानी की थी, जिसमें फुटबॉल, जिमनास्टिक, हॉकी, जूडो, कराटे, स्क्वाश, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग के हमरा रिवायती खेल जैसा कि कोडी कोडी, मलाखड़ो और वंजवट्टी भी शामिल थी। सिंध के अदबी हलकों में लाड़काना के किरदार को न सराहना इस शहर के साथ ज्यादती होगी।
क्योंकि सिंधी अदब के हर शोबे में लाड़काना ने बहुत बड़े नाम पैदा किए हैं और हालिया दौर में भी लाड़काना के लोग इल्म व अदब, फन, तहजीब व सकाफती सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेते हैं। सियासत की दुनिया में लाड़काना के हवाले से एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि लाड़काना का नाम सुनते ही हमारे जहन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम आ जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स सिंध की कौम पर सियासत में मुख्तलिफ तहरीकों की जहनी नशोनुमा करने वाला बलड़े जी नामी एक छोटा सा कस्बा भी इसी शहर की मुजाफात में वाक़ है, जहाँ होने वाली सियासी सरगर्मियों ने नौजवान सियासी कारकुनान में सोच की लहरें पैदा की और मुख्तलिफ औकात पर मज़ाहमत ने जन्म लिया। इस लिहाज से लाड़काना की एक पहचान ये भी है जिससे आम तौर पर बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं और यही वजह है कि सिंध की कौम पर सियासत हो या मुल्क की सतह पर सियासी तगो दौड़, लेकिन लाड़काना ने हमेशा अपना किरदार बखूबी निभाया है। हाल ही में सिंध के इस शहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का मुंतखब होना भी सिंध में इस लिहाज से एक नई तारीख लिखने के मुतरदफ है, क्योंकि एक मुतवसत तबके से उस पीपल्स पार्टी के आबाई शहर से सेनेटर मुंतखब हुआ जिसने सिंध के लोगों पर हमेशा सरदार, वडेरे, जागीरदार, पीर और मीर मुसल्लत किए हैं। सिंध की सकाफत की खूबसूरती, सिंधी ज़ुबान की मिठास और सिंधी रवायती खानों की लज्जत, ये तमाम चीज़ें एक ही जगह हासिल करनी हो तो लाड़काना से ज़्यादा और कोई शहर इसके लिए मज़ीद बेहतर साबित नहीं हो सकता। उस रोज़ सूरज ढलने से थोड़ा ही पहले लाड़काना शहर से होते हुए ओठा चौक के मकाम से मोहनजोदाड़ो और बाकरानी जाने वाले रास्ते से जुदाई करके खैरपुर की तरफ रवाना हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज लाजमी लाइक करें।